और बात पखांजूर की होगी, जहां पर भारी बारिश होने के चलते धान की फसलें खराब हो गई हैं, जिसके चलते किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर धान की फसलें लगाई गई हैं और ऐसे में किसान बैंक का कर्ज चुकाने को लेकर परेशान है। जहां सरकार एक एकड़ धान की फसल का आधा उत्पादन ही समर्थन मूल्य पर खरीदती है, तो वहीं शेष बचे हुए धान को औने पौने दाम पर व्यापारियों को बेचना पड़ता है। यही नहीं, खेत में पानी भरने के कारण धान पानी में डूबे होने के चलते धान से अंकुर निकलने की भी संभावना बनी रहती है। फिलहाल क्षेत्र के किसान सरकार से मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। इसमें क्या नुकसान तो होगा, आधा भी नहीं होगा, पानी गिरेगा तो टोटल नहीं होगा, फसल पूरा गिर गया है, पूरा गिर गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, क्या चाहते हो भाई? सरकार क्या करेगा, उसका नुकसान हो गया इसमें। अभी देखा जाए कि लगभग कुछ ही होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सभी तो खराब हो गया, पूरा फसल नष्ट हो गया है। कितने का धान लगाया आप? ऐसे 6 एकड़ है। क्या कुछ बहुत नुकसान हो गया, पूरा गिर गया, पानी जम गया खेती में, अभी पूरा पानी उसका पानी भरा है। अमर मंडल, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमर, पखांजूर में बारिश के चलते धान की फसल बर्बाद हो गई है, मुआवजा चाहते हैं किसान। जी, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के जो किसान हैं अपने साल भर के जीवन यापन के लिए अपने कृषि कार्य पर ही निर्भर रहते हैं। क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, धान का फसल किसान अपना तैयार कर चुके, अभी काट के घर लाने का जो समय है, लेकिन अचानक बारिश होने के चलते किसानों के पूरे पके हुए फसल बर्बाद होने हो गए हैं। पूरे बरसात में पानी पूरे खेत में भर गया है और पूरा धान उसमें डूब गया है, जिसके चलते किसानों के आधा से ज्यादा फसल खराब हो गया है। अब किसान इसी चिंता में है कि जब लोन लेके पूरे धान खेती किए हैं, अब लोन कहाँ से पटाएंगे और अपने साल भर का जीवन यापन कैसे करेंगे, इसलिए बहुत चिंतित है किसान। और इसीलिए वो सरकार से चाहते हैं कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसके भरपाई सरकार अपने मुआवजे से करे। जी ठीक है। निशा नेता मंडावी, एसडीएम, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका सुराज एक्सप्रेस पर, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल। निशा जी, पखांजूर में जिस तरह से जो बारिश हुई है उससे धान की फसल बर्बाद हो गई है किसानों की, किसान परेशान है, ऐसे में प्रशासन क्या मदद मुहैया कराएगा किसानों को? अभी तक जितना भी किसानों से हमको जानकारी प्राप्त हुई है और साथ ही पटवारियों के माध्यम से पूरा हमने सर्वे कराया है, जहां जहां फसल की क्षति हुआ है उसका बिल्कुल मुआवजे का प्रकरण तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द उनको राशि प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही किसानों को उनका हक मिलेगा, मुआवजे की राशि उन्हें मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। अमर मंडल हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमर, एसडीएम साहब कह रही हैं कि सर्वे कराकर जल्दी राशि उन्हें दे दी जाएगी। मैं जी आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी इस टाइप के कई बार ऐसे नुकसान किसानों को हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से सर्वे भी किया जाता है, लेकिन जितना नुकसान उनका होता है उसके 10% भी मुआवजा उनको नहीं दिया जाता है, जिससे किसान भी काफी नाराज रहते हैं। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया अमर जानकारी के लिए। देवाशीष विश्वास किसान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवाशीष जी स्वागत है, सुन पा रहे हैं मुझे? जी। देवाशीष जी, कितने की फसल का नुकसान हुआ है आपका? ये एक्चुअली क्या है, मैं करीबन 1.5 एकड़ जमीन पे धान लगाया था, जहाँ पर बारिश अभी धान पड़ने वाला है और बेमौसम बारिश के चलते करीबन नहीं होने से आधा एकड़ जमीन पे धान मेरी पूरी गिर चुकी है और मतलब पूरा अभी खराबी होने वाला है। अभी पानी के अंदर नीचे गिरा हुआ है तो धान का जो जड़ होता है वो टूट जाता है, मतलब उसमें आधा फसल ही हो पाएगा। जी ठीक है। अभी हमारे साथ एसडीएम साहब जुड़ी थी, निशा नेता मंडावी जी, उनका कहना है कि जल्दी सर्वे कराकर आपको मुआवजा राशि दे दी जाएगी, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया देवाशीष जी जुड़ने के लिए। और अब खबर सीहोर से है।